धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास टेंथ एक्सरसाइज 5.3। तो यहाँ पर कह रहा है पहला प्रश्न, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना, यानी इनको आपको जोड़ के बताना है। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं, 2, 7, 12 और 10 पदों तक, ये नहीं कि यहाँ 10 तक, 2, 7, 12 फिर 12 के बाद जो भी लिखना हो। तो देखते हैं इसको हमको योग ज्ञात करना है। तो देखिए अच्छे से समझिए, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है 2, और डिफरेंस यानी अंतर सार्वांतर कितना है। तो सार्वांतर देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा दिया जाए। अगर 12 में से कितना घटाएंगे, 7, अगर 7 लेते तो कितना घटाते, 2, तो अंतर कितना आ गया 5 का। और टोटल पद कितने, देखिए पहला दूसरा तीसरा और ऐसे डाट डाट करके लिखा है, यानी 10 पद है, यानी यन कितना दिया है 10 पद, कितने दिए हैं 10 पद हैं। तो अब आपको ज्ञात करना है इनका योग ज्ञात करना है, यानी अगर इनको जोड़ा जाए सबको तो कितना आएगा। तो देखिए इससे 5.2 थी उसमें एक सूत्र था और इसमें भी एक ही लगभग सूत्र है, Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये सूत्र है। तो n कितना देखो दिया है 10 पद, यानी 10 बाई 2 10 बाई 2 और 2 ए का मान कितना है 2 प्लस यन, यन कितना दिया है 10, 10 माइनस 1 और डी कितना है 5। तो ये हो जाएगा 10/2, यानी 2 से जब 10 को भाग देंगे कितना आ जाएगा 5, 2 दुना 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 × 5, तो ये कितना हो गया 5 × देखिए ये ब्रैकेट का हल हल करेंगे तो देखिए 9 × 5 = 45, 45 में जब 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49, और 5 × 9 = 45 हासिल आया 4, 5 × 20 = 24, 245। यानी इस प्रकार से अगर हम सारणी को पूरा कर देते फिर उसको जोड़ते तो हमारा कितना आया था 245। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल, सेकेंड सवाल। तो यहाँ पर लिखा है -37 - 37 - 29 हो, यानी पद कितने 12 पद हैं। तो देखिए ए बराबर प्रथम पद कितना माइनस का 37 और डी अंतर देखिए कितने का है। अब देखिए यहाँ पर जो अंतर है थोड़ा सोचने वाला है, देखिए 37 से 33 हुआ, लग रहा है घट रहा है लेकिन रियल में बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए ये सबसे छोटी है, उससे बड़ी संख्या ये है क्योंकि माइनस है ना, फिर उससे बड़ी ये, और कितना बड़ा है ये देखिए। तो देखिए यहाँ पर दूसरे पद में से अगर हम पहला पद घटा दें, ठीक, दूसरे पद में से अगर हम पहला पद घटा दें, देखिए दूसरा पद कितना है माइनस का 33 और पहला पद कितना है माइनस का 37, और इसको क्या करना है हमको घटाना है। तो देखिए ये आ जाएगा माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस का 37, अब 37 में से 3 गया कितना बचा 4, यानी प्लस का 4, और पद कितने हैं 12 पद हैं, कितने पद हैं 12 पद हैं। तो अब देखिए इसका सूत्र देखिए, Sn बराबर, Sn मतलब होता है सम यन पदों का योग, यन बाई 2 2a प्लस यन माइनस 1 डी, ये होता है सूत्र। तो यन कितना है यहाँ पर दिया है देखिए 12, तो 12/2 और 2a माइनस का 37, ठीक, प्लस यन, यन की जगह 12 माइनस 1 और डी कितना 4। अब देखिए 12/2 यानी ये कितना आ गया 6, और 37 दूना कितना होता है देखिए 35 दूना 70 होता है और 37 दूना 74, वो भी किसका आएगा माइनस का, प्लस 12 में से एक गया 11, 11 × 4 = 44। अगले स्टेप में देखते हैं 6 माइनस का 74 और प्लस का 44, तो ये कितना आ जाएगा 6 × अब देखिए 44 - 74 यानी 44 में से 74 गया कितना आ गया 30, तो ये आ जाएगा माइनस का 180, ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। तो देखिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है, 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, Sn बराबर, सबसे पहले तो इसमें a, b, a और d निकाला जाता है, तो a कितना है हमारा, a है 0.6 यानी पहला पद, और d कितना है यानी डिफरेंस, देखिए किसी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, ठीक, या तीसरे में से दूसरा घटा लें, यानी इससे एक पद पहले का, 1.7 - 0.6, 7 में 6 गया 1 यानी 1.1 डिफरेंस आ गया 1.1, और यन यानी पद कितने हैं टोटल 100 पद हैं, कितने पद हैं
100 पद तक आपको ज्ञात करना योगफल। तो देखिए सूत्र होता है एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये सूत्र होता है। तो देखिए एन कितना है 100 बटे टू, टू ए कितना है 0.6, फिर एन यानी 100 माइनस एक और डी डिफरेंस कितना है 1.1, ठीक 1.1। अब देखिए अच्छे से समझिए, ब्रैकेट बंद, तो ये हो जाएगा हमारा 100 बटे टू यानी कितना 50, ब्रैकेट बंद। अब ये इसकी इसकी जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो ये है कि चाहे चाहो तो 100 में से एक घटा लो कितना है 99, या फिर इसकी गुणा कर लो। तो गुणा करना आसान होगा, देखिए थोड़ा समझिए, 100 की गुणा होगी पहले 1.1 में, तो देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना 0, 1 0, 1 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 110, ये कितना आ गया 110 प्लस 1.1 की गुणा 1 से, 1 से गुणा होगी यानी सेम, वो भी किसका आएगा ये माइनस का आएगा, किसका आएगा 1.1 माइनस का आएगा, ब्रैकेट बंद। अब देखिए 50 1.2 में से 1.1 गया, देखिए 1.2 में से गया 0.1 बचेगा, ठीक 0.1 बचेगा, देखिए वो भी किसका बचा है प्लस का, क्योंकि ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या जा रही है। फिर 110 है ये, उसमें 0.1 जोड़ दो कितना आ जाएगा 110.1, तो ये हो जाएगा। अब 50 गुणे 110.1 की गुणा करो, तो देखिए इसकी जब गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, जब पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो, ठीक अब ये जीरो से जीरो कट गया, अब ये आ गया 5 × 5 यानी 5505, ठीक। अब देखते हैं ये चौथा पार्ट इसका 1/15, तो ए कितना आ गया हमारा 1/15 और डी यानी डिफरेंस अंतर कितना, तो दूसरे पद में से किसको घटा दें पहले 1/12 माइनस 1/15। अब देखिए जब इसको घटाएंगे 1/12 और 1/15 तो इसका लासा लेंगे, तो लासा आएगा 60, तो इसमें गुणा होगी 5 से, 12 पंचे 60 और इसमें गुणा होगी 4 से, 15 चक्कू 60, तो यह आ जाएगा 5 − 4/60 यानी कितना आ गया 1/60 यानी डिफरेंस कितना आ गया 1/60। अच्छा पद कितने हैं आपके पास, 11 पद हैं यानी यन बराबर कितना 11। अब देखते हैं सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखते हैं एन कितना है 11 लिखा, तो यानी 11/2 और टू ए कितना है 1/15 प्लस एन यानी 11 माइनस वन डी कितना है अंतर 1/60 का, ठीक। तो यह आ गया 11/2 2 × 2/15 प्लस 11 में से एक गया कितना 10 और 10 की 1/60 से गुणा करा दो कितना आ जाएगा 10 × 10/60, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है तो इसमें लासा आएगा 60, कितना आएगा 60, तो ये हो जाएगा 11/2। अब इसमें गुणा होगी 4 से, कितने से गुणा होगी 4 से, देखो इसको जब हल करेंगे हम इस ब्रैकेट को पूरा हल कर ले, देखिए 2/15 प्लस 10/60, तो इसमें तो गुणा होगी नहीं, इसमें 4 से गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 प्लस 10/ कितना 60 यानी कितना हो गया 18/60। अब देखिए ये 2 से कट गया कितना आ गया 9, ठीक। तो ऊपर आ गया 11 × 9 = 99 नीचे 20। अब अगर इसको ये नीचे आ गया 60, अगर इसको 3 से काट दें तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 20, तो यहीं पर हम आंसर छोड़ देंगे 33/20। दूसरा कह रहा नीचे दिए हुए पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी ये जो पद दिए हुए हैं इनका योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहला पार्ट कह रहा है दूसरे का 7 + 10 = 1/2 + 14 = 84, यानी एट लास्ट में दिया है 84 और इन सबका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम पद कितना दिया है 7 और d यानी अंतर कितना दिया, अंतर कैसे निकल आता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो या तीसरे में से यानी उससे, यानी उसका एक पद अगला घटा दिया जाता है, तो 10 सही 1/2 माइनस कितना घटाएंगे 7, तो
तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें ये लिखेंगे 10 × 20 एक 21/2 माइनस 7। तो देखिए इसको जब हल करेंगे यानी 21/2 माइनस 7 को, तो इसके नीचे एक मानेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14/2। 21 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 7/2। अब देखते हैं अगला, और ये जो दिया है 84, ये क्या है an दिया है, यानी कितना लास्ट पद, जिसको चाहे l कह दो या an, an कितना दिया है 84। अब देखिए ये योगफल ज्ञात करना होता था तो उसमें n दिया होता था, अब यहाँ पर हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे, अब इसका सूत्र होता है इस 5.2 में जो लगाते थे हम ज़्यादातर, वो होता था an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। इससे पहले वाले अभ्यास में सारे के सारे यही सूत्र लगे हैं। तो an कितना दिया है 84 बराबर a कितना 7 प्लस n हमको नहीं पता है, वही ज्ञात करना है, और d डिफरेंस कितना है 7/2 का। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 84, और ये प्लस का 7 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा ये माइनस का 7 बराबर n माइनस 1 गुणे 7/2। अब देखिए 84 में से 7 गया कितना आ जाएगा, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ बचा 7 यानी 77, और n माइनस 1 गुणे 7/2। अब देखिए ये जो 2 है बटे वाला वो कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 77 यानी कितना हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14 = 15, और ये 7 जो होगा ये इसमें खुलेगा तो 7n - 7। अब ये जो माइनस का 7 है इधर लाएगा किसका हो जाएगा प्लस का बराबर 7n। तो ये हो गया 7×4 = 161 बराबर 7n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 161/7, 7 से भाग देंगे 7 × 2 = 14, कितना बचा 2 × 7 = 21, यानी n कितने दिए हैं 23 पद हैं इसके अंदर टोटल। देखिए पहला दूसरा तीसरा इसके अंदर कुछ पद होंगे, ये यानी टोटल पद कितने हैं 23। अब इसका योगफल ज्ञात करेंगे, तो देखिए Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n - 1 d, ये सूत्र होता है। तो देखिए n कितना दिया है 23/2 यानी n का मान 23/2, और 2a कितना दिया है 7 प्लस n यानी 23 - 1, और d कितने का है अंतर 7/2। अब देखिए अच्छे से 23/2 × 2 = 14 प्लस 23 में से एक गया 22 × 7/2। अब 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 11, तो यह आ जाएगा 23/2 × यहाँ पर निशान गुणे का होता है, तो यह हो जाएगा 14 प्लस 11/77। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 23/2 × ये जब जोड़ेंगे 7×4 = 11 और 7×1 = 8 और हासिल एक आया था यानी 9, तो 23 × 91 और तो / 2, तो 23 की यहाँ पर गुणा कर लो तो आ जाएगा 2093/2। अब देखिए 2 से अगर हम भाग देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 2 × 10 = 20 और 2 × 8 = 8, 1 आ गया 2 × 6 = 12 यानी 1046 सही 1/2, यह आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट 34 + 32 + 30 इसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे, और कहाँ तक लिखना है हमको 10 तक लिखना है, कहाँ तक लिखना है 10 तक, और इसको आप देखते जोड़ना है। देखिए प्रथम पद कितना दिया है 34 और अंतर यानी डी कितना दिया है देखो 32, इसमें से इसको घटाएंगे -34 यानी -2। अब माइनस यह बात बताता है कि ये जो 2 देखिए कम पड़ रहा है ठीक, और ये कौन सा पद दिया ए एन यानी लास्ट पद, कितना दिया है 10, चाहे इसको यल कहिए या ए एन कहिए, कितना दिया है 10। तो योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमको पता करना होगा कि एन कितना है, क्योंकि देखिए ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन कितना दिया है 10,
ए कितना दिया है 34 प्लस यन, यन हमको पता करना है माइनस वन, और ये कितना माइनस का 2। तो देखिए ये हो जाएगा 10, ये 34 किसका है प्लस का इधर आ गया, माइनस का 34 हो गया, और माइनस के 2 से इसमें गुणा करेंगे माइनस का 2, और माइनस माइनस प्लस का 2 एक कम 2, तो ये हो गया माइनस का 24, और ये जो प्लस का 2 है इधर लाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 एन, तो ये हो गया माइनस का 26 बराबर माइनस का 2 एन, यानी माइनस से माइनस कट गया और यन इधर रोक देंगे तो ये हो जाएगा 26/2। अब 26 को जब 2 से भाग देंगे यानी यन बराबर कितना आ गया 13 पद, यानी इसमें हमको 13 पद होंगे। इस प्रकार से जब लिखेंगे तो कितने पद हो जाएंगे 13 पद। अब इनका जब योगफल ज्ञात करेंगे तो देखिए सूत्र होता है एस एन बराबर यन बाई टू टू ए प्लस यन माइनस वन डी। ठीक, अब देखिए जरूरी नहीं कि हम यही सूत्र लगाएं, अगर हमको पहला और आखिरी पद पता है तो इसका एक सूत्र और होता है एस एन बराबर यन बाई टू, तो देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर होता है डायरेक्ट ए प्लस यल, यानी पहला और आखिरी जोड़ दो बस। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर टू ए जो लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए, यानी दो बार लिख सकते हैं, और ये हो गया टू ए का ये, और फिर बाकी जो लिखा है एन माइनस वन डी। तो देखिए ये जो होता है इसको हम ए एन का सूत्र कहते हैं, देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए एन, और ए एन को क्या कहते हैं ए एन को यल यानी लास्ट पद भी कहते हैं, यानी ए प्लस यल। ठीक, और बाई एन बाई टू लिख सकते हैं, लेकिन आप प्रश्न लगा रहे हैं इसीलिए सिर्फ एक ही सूत्र को ध्यान रखें, आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते थे और जब बहुत जल्दी आंसर भी आ जाता। देखिए यहाँ पर कितना आएगा एन बाई टू ए प्लस यल, ए प्लस यल कितना यानी ए कितना देखिए 34 और लास्ट पर कितना 10, यानी ये 44 ही आएगा। देखिए यहाँ पर भी उतना ही आएगा, यन बटे टू, यन कितना है 13 पद आया, यानी 13 पद बटे टू। अब देखिए टू ए कितना 34 प्लस यन माइनस वन यानी 13 माइनस एक, और डिफरेंस कितना माइनस दो का, तो ये हो जाएगा 13 बाई टू, 34 दुना 35 दुना 70 होता है, 34 दुना 68 प्लस 13 में से एक गया 12, देखिए 13 में से एक गया कितना 12, और 12 की जब माइनस 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 12 दुना 24 हो गया किसका माइनस का। अब देखिए 13 बाई 2 गुणे 68 में से 24 घटाओ कितना आ गया 8 में से 4 गया 4, और 6 में से 2 गया 4, देखिए यहाँ पर भी कितना आ रहा था 34 प्लस 10 कितना 44, अब इसको जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 22, अब 13 की 22 से गुणा करेंगे 13 दुना 26, फिर 13 दुना 26 और 2 हासिल आया था कितना 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 286। दूसरे का तीसरा -5 -8 -11 --- -23। अब देखिए यहां तक ज्ञात करना है तो देखिए सबसे पहले ए यानी ये कितना दिया है माइनस का 5, और डिफरेंस देखिए क्या होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें, यानी दूसरा पद कितना है माइनस का 8 और पहला पद कितना है माइनस का 5, इसमें से क्या करना होता है इसको घटाना होता है, तो ये देखिए माइनस का 8 और ये कितना माइनस माइनस प्लस का 5, अब देखिए 5 प्लस का 8 माइनस का है, तो 5 में से 8 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 3, और ये क्या है ए एन, ए एन यानी लास्ट पद माइनस का 230। तो देखिए सबसे पहले तो हम यन पता करेंगे तो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस यन माइनस वन डी, ये सूत्र होता है, तो ए एन कितना दिया है माइनस का 230 और ए कितना माइनस का 5 प्लस यन हमको पता करना है और डिफरेंस कितना है माइनस का 3, तो देखिए अच्छे से माइनस का 230 बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस के 3 से यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 एन, और ये माइनस माइनस प्लस का कितना 3। अब देखिए अच्छे से 3 में से 5 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 2, 3 में से 5 जाएगा माइनस का 2, और वो जब इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा 230 है, और ये जब माइनस का 2 आया था इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 3 एन। अब देखिए 2 में से 230 जाएगा, 2 में से 230 जाएगा तो यह आ जाएगा माइनस का 200,
28 बराबर माइनस का 3n, तो ये माइनस से माइनस गया कट, और n बराबर ये 3 इसके कहाँ आएगा बटे में, यानी 228 बटे 3, और 3 सत्य 21, 1 आ गया 3 छक 18, यानी 76 पद हैं इसमें। कितने पद होंगे? 76 पद। ये डॉट डॉट लगा है ना, पहला दूसरा तीसरा और अन्य बीच में पद, यानी टोटल कितने पद हो जाएंगे? 76। अब देखिए इसका आंसर, देखिए योगफल पूछ रहा था एस एन बराबर एन बाई टू, लॉन्ग वाला हम सूत्र लिखेंगे हमेशा 2a प्लस एन माइनस 1d। अगर शॉर्टकट वाला लिखते तो a प्लस एल लिख देते, यानी a कितना माइनस 5 और एल कितना माइनस 230, तो माइनस 5 माइनस 230 कितना हो जाएगा माइनस का 235, तो इसका माइनस 235 ही आएगा। देखिए कैसे एन बटे 2 यानी 76 बटे 2, 2 ए कितना माइनस का 5 प्लस एन कितना आया है 76 माइनस 1 और डी कितना आया है माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 76 बटे 2 यानी ये कितना हो जाएगा 38। अब ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 76 में से एक गया 75 माइनस 3, तो ये हो जाएगा देखिए 38 गुणे ठीक माइनस 10। अब इसकी गुणा हो जाएगी जब, तो ये प्लस माइनस माइनस 3 पचे 15 और 3 सते 21 और 1 हासिल आया था यानी 22। अब ये देखिए माइनस का 10 और माइनस का 225 माइनस का 235 ही आ गया। ठीक, हमने कहा था माइनस 5 और माइनस इसको जोड़ दें प्लस एल करके, गुणे कितना 38। अब 38 की जब माइनस की 235 से गुणा करेंगे तो कैलकुलेटर में गुणा कर लेना, आएगा 8930, वो भी किसका, ये प्लस माइनस माइनस, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 8930। नंबर तीसरे का पहला, ए बराबर 5 दिया, डी बराबर 3 और एन बराबर 50 दिया है, तो एन और एस एन ज्ञात करना है। देखिए हमको एन ज्ञात करना है, तो ये जो पहला सवाल है ये 5.2 जैसा है, तो देखिए सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए एन हमको देखिए दिया है कितना 50 बराबर ए, यानी पहला पद कितना दिया है 5 प्लस, हमको देखो एन ज्ञात ही करना है, एन माइनस 1 और डी का मान देखो दिया है 3, तो ये हो जाएगा 50 बराबर 5 प्लस ये 3n हो जाएगा माइनस 3 1 3। फिर देखिए 50 और 5 में से 3 गया 2, यानी 3n ये और 5 में से 3 गया प्लस का 2। अब ये जो प्लस का 2 है इधर लाएंगे घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 2 बराबर 3n, तो ये कितना आ गया 48 बराबर 3n, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 कहाँ जाएगा 48 के बटे में जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 16, यानी n बराबर आ गया हमारा 16 पद, इसमें कितना है n बराबर 16, और ये sn ज्ञात करना है। तो देखिए sn बराबर हमने जो 60 ट्रिक वाला सूत्र बताया था n बाई 2, ये सूत्र था a प्लस l, तो n कितना दिया है 16 बटे 2 a, यानी प्रथम पद कितना दिया है 5 और l कितना दिया है अंतिम पद कितना दिया है यल। अब देखिए यल अच्छे से समझिए, ए एन यानी ये जब श्रेणी दी होती है तो ए एन मतलब यनवा पद, यानी कह सकते हैं इसको लास्ट पद, ए एन को ही यल कहते हैं, तो यल की जगह ए एन, ए एन का मान कितना दिया हुआ है, ए एन दिया है 50, या हम कह सकते हैं यल बराबर 50। ठीक, तो ये हो जाएगा 16 बटे 2 यानी 8 गुणे 50 5 प्लस 50। अब देखिए यहाँ पर अगर लॉन्ग कट भी लगाते हैं, लॉन्ग मेथड यानी एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1d, फिर भी हमारा 55 ही आता, कितना आ जाता 55, तो कितना आ जाएगा 8 पंचे 40 और 4 44, यानी कितना आ जाएगा 440, तो हमारा आंसर आ गया एन बराबर 16 पद और sn बराबर, यानी एन बराबर 16 और sn बराबर 440, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर a यानी प्रथम पद दिया है 7 और a 13 यानी 13वां पद कितना दिया है 35, तो हमको d और 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर 7 दिया हुआ है, a बराबर 7 और a 13 यानी 13वां पद कितना दिया हुआ है 35, तो देखिए 13वें पद को लिखते हैं a प्लस कितने d, a कम करके लिखा था है a प्लस
12D बराबर 35। अब देखिए ए का मान दिया हुआ है 7 प्लस 12D बराबर 35। अब देखिए ये 12D बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 7 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 7। तो यह आ जाएगा 12D बराबर 35 में से 7 गया 28, तो D बराबर कितना आ गया 28/12। अब देखिए ये किसी न किसी संख्या से कट रहा है, किससे, 4 से कट रहा है, तो ये जाएगा 4 से जब काटेंगे तो ऊपर आएगा 4 7 28 और नीचे 4 3 12, यानी ये आ गया हमारा 7/3। डी कितना आ गया 7/3। अब इसको हमको ज्ञात करना, ये 13। अब देखिए अच्छे से समझिए, अगर किसी श्रेणी, कोई श्रेणी है ठीक, उसमें 13 ही पद है ठीक, तो या ये इसका मतलब लास्ट पद है, क्या पद है, लास्ट पद है, या 13वां पद है। देखिए 13वां पद कितना दिया है 35, इसे ये मान लेते हैं एक प्रकार से श्रेणी है जिसमें 13वां पद 35 है, तो ये हम लास्ट पद भी इसको कह सकते हैं, या यनवा पद, या 13वां पद, या 35, या यन ठीक। अब देखिए यस 13 जो हम ज्ञात करेंगे, SN का सूत्र होता है n बाई 2 ए प्लस यन ठीक। तो देखिए n की जगह जब हमने 13 रखा तो यहाँ पर भी 13 रखा ठीक, और यहाँ पर समझिए a यानी प्रथम पद कितना 7, और यल यानी अंतिम पद, यानी अंतिम पद यानी 13वां पद ठीक, यानी कितना 35 ठीक। तो ये हो जाएगा 13/2 और 7 और 35 कितना हो गया 42। अब ये जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 21, तो 13 × 21 यानी 13 × 1 13 और 13 × 26 और 26 × 1 27 273। तो अब हम आंसर लिखेंगे, यानी D बराबर कितना 7/3 और SN बराबर कितना आया 273, SN नहीं यस 13, यानी 13 पदों का योगफल। तीसरे का दूसरा ए 12 यानी 12वां पद कितना दिया है 37 और डी अंतर दिया है 3 का, तो हमको प्रथम पद और 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए, ए 12 बराबर कितना दिया है 37, तो ए प्लस इस 12वें पद को लिखा जाता है ए प्लस 11D। ऐसा क्यों लिखा जाता है, देखिए सूत्र क्या होता है, an बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। तो देखिए an की जगह अगर हम 12 रख दें तो a प्लस n की जगह कितना 12 − 1D, तो ये हो जाएगा a 12 बराबर a प्लस 12 में से एक गया 11D, यानी a 12 को हम डायरेक्ट ले सकते हैं a प्लस 11D, और यानी कितना भी अगर यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 14 लिखेंगे, यानी एक कम लिखा जाता है। तो a प्लस 11D बराबर कितना 37। अब देखिए अच्छे से, इसमें कुछ मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ 3, तो a प्लस 11D की जगह 3 बराबर 37, तो यह हो जाएगा a प्लस 37। अब 11 3 33 प्लस का आएगा, उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो यानी a बराबर कितना आ गया 4, यानी प्रथम पद आ गया हमारा 4, ये हमसे पूछ रहा था। अब 12 पदों का योगफल, अब देखिए अगर ये मान लो कोई सारणी बनी होती और यहाँ पर यानी लास्ट पद यानी 12वां पद, यानी इसमें 12 पद होते और 12वां पद कितना दिया हो 37, तो लास्ट के 12वें पद को an पद कहते हैं, या हम कह सकते हैं लास्ट पद, लास्ट पद कितना है a 12 मतलब ये 37। तो सूत्र क्या होता है, देखिए SN बराबर सूत्र होता है n/2 a प्लस यल ठीक, तो n की जगह जब हमको कितना रखना है 12, तो n की जगह 12/2 a प्रथम पद कितना है 4 और यल लास्ट पद कितना है 37 ठीक, लास्ट पद कितना है 37, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 4 और 37 जोड़ेंगे 41, गुणा करेंगे 6 × 6 = 24, यानी कितना आ गया 246। तो आंसर लिखेंगे a बराबर 4 और यस 12 बराबर, यानी 12 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 246, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा कह रहा है a3 यानी तीसरा पद कितना दिया है 15 और 10 पदों का योगफल 125 दिया है, तो हमको d अंतर ज्ञात करना है और 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए अच्छे से समझिए, तीसरा पद कितना दिया है 15, तो देखिए अच्छे से समझिए तीसरा पद कितना दिया है 15 और 10 पदों का योगफल दिया है 125। देखिए तो यहाँ पर तीसरा पद कितना हो जाएगा a प्लस, तीसरे पद को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं a प्लस 2D बराबर 15,
तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। और यहाँ पर देखिए अच्छे से समझिए, 10 पदों का योगफल दिया है 125, तो SN यानी इसका SN आना, योगफल वाला सूत्र लगाएंगे यानी n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखिए यहाँ पर n की जगह हम लिखने जा रहे हैं 10, यानी 10 पदों का योगफल बराबर क्या होता है, n बटे 2, यानी n की जगह देखो, n की जगह हमने 10 रखा है, तो 10 बटे 2 बराबर 2a प्लस n की जगह 10 माइनस 1d, ठीक। तो ये हो जाएगा 10, यस 10 का मान देखो, 10 पदों का योगफल यानी इसका मान दिया 125, ठीक। अब देखिए और इधर कितना आ जाएगा, 10 बटे 2 यानी 5 बराबर 2a प्लस 10 में से 1 गया 9d। अब ये जो 5 इधर गुणे में है, इधर आएगा कहाँ आएगा, बटे में, यानी 125 बटे 5 बराबर 2a प्लस 9d। अब देखिए इसका मतलब ये आ गया, 2a प्लस 9d बराबर ये कितना 25, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। अच्छे से समझिए, 125 को 5 से भाग देंगे 25, और 2a प्लस 9d बराबर 25। अब ये हो गया समीकरण सेकेंड और ये है समीकरण फर्स्ट, तो इसको हल करना है हमको। तो अगर 2a को हम यानी a को बराबर कर लें तो इसमें हमको गुणा करना होगा 2 से, अगर d को बराबर कर लें तो इसमें 2 से गुणा करना होगा, 9 × 2 = 18 और इसमें 9 से। तो देखिए अब अगले स्टेप में अच्छे से समझिए, ये आ जाएगा 2a प्लस 2 × 4d और ये 15 × 30। और इसको समझिए अच्छे से, 2a प्लस 9d बराबर 25। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक। तो घटाने पर देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये गया कट, 4d में से 9d गया माइनस का 5d, और 30 में से 25 गया यानी प्लस का 5, यानी d का मान कितना आ गया 5 बटे माइनस का ये माइनस का 5, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो d तो हमारा आ गया, ठीक। अब देखिए d बराबर कितना आ गया माइनस का 1, अब हमको a ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, d का यह मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो या सेकंड में, तो हम लिखते हैं d का यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d बराबर कितना 15, तो a प्लस 2d का मान कितना माइनस का 1 15, तो a बराबर कितना आ जाएगा 15, 2 × 2 किसका माइनस का, उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, यानी ये बराबर कितना आ गया 17। अब देखिए a का मान जो 17 आ गया और d का मान माइनस का 1 आ गया, और हमको ज्ञात क्या करना है, d तो हमको जो ज्ञात करना था ये माइनस का 1 आ चुका है, और दसवां पद ज्ञात करना है यानी a10 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है। तो क्या होता है, a10 यानी दसवां पद को हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, a प्लस 9t, तो a कितना है 17 प्लस 9d का मान कितना है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 17 × 9 = 9, 17 में से 9 जाएगा कितना आएगा यानी 8, कितना आ गया 8। तो हमारा आंसर जो होगा, हमसे पूछ रहा था d और a10, तो d बराबर कितना माइनस का 1, और a10 यानी 10 पदों का दसवां पद कितना है, a10 मतलब दसवां पद कितना होगा 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे का पांचवा क्वेश्चन, d बराबर दिया है 5 और 9 पदों का योगफल दिया है 75, और हमको ज्ञात करना है a और 9वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए अच्छे से, d दिया है और 9 पदों का योगफल दिया है, तो योगफल जब दिया है तो योगफल वाला सूत्र लगाएंगे, यानी n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट बंद। अब देखिए अच्छे से समझिए, SN की जगह हम लिखने जा रहे हैं 9, 9 n की जगह 9, यानी 9 बटे 2 2a प्लस n की जगह कितना 9 माइनस 1, और d का मान देखो हमको पता है यहाँ पर कितना दिया है 5, तो ये हो जाएगा
S9 नौ पदों का योगफल डायरेक्ट किताब में दिया है कितना, 75/9/2। अब देखिए यहाँ पर समझिए, 2a प्लस 9 में से एक गया कितना 8, और 8 की जब 5 से गुणा हो जाएगी कितना हो जाएगा 40। ठीक, अब देखिए 9 में से एक गया 8, 8 पंचे 40। अब देखिए ये जो 2 है कहाँ जाएगा, बटे में है तो इसके गुणे में जाएगा। ठीक, और ये जो 9 कहाँ पर है, ये है हमारे इसके गुणे में, तो इधर जाएगा, तो किधर जाएगा, बटे में। बराबर 2a प्लस का 40। ठीक, अब देखिए ये हमारा 3 से जब हमने काटा है तो आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 25। तो ये आ जाएगा 25 दुना 50/3, और ये जो प्लस का 40 है इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 40 बराबर 2a। अब देखिए इसमें क्या होगा, 50/3 - 40। अब इसको जब हल करेंगे अच्छे से समझिए, इसके नीचे 1 और 3 से गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 50 - 40 तो 120/3 बराबर -70/3। कितना आ जाएगा, ये माइनस का 70/3 बराबर 2a। जब a रोक देंगे तो -70/3, और ये जो 2 इसके गुणे में है कहाँ आएगा, बटे में, और 2 से इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 35। यानी a का जो मान आया माइनस का 35/3, a का मान कितना आ गया, माइनस का 35/3। अच्छा, अब देखिए a का मान तो आ गया, अब देखते हैं नवा पद। तो देखिए नवा पद का सूत्र क्या होगा, डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस कितने d, 8d। तो a का मान कितना आ गया, माइनस का 35/3 प्लस 8, d का मान कितना है 5, तो ये आ गया माइनस का 35/3 प्लस 8 × 5 = 40। अब यहाँ पर समझिए इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे, 3 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 35 + 40 = 120/3। अब 120 में से 35 घटाइए, तो 120 में से जब 30 घटाते तो 90 बचता, यहाँ पर बचेगा 85, कितना बचेगा 85/3। अब ये अगर ये का संख्या कट रही है तो काट दो, अन्यथा यहीं पर छोड़ दो। तो जब आंसर लिखेंगे तो आंसर जो हमसे पूछ रहा था, यानी प्रथम पद कितना है, माइनस का 35/3। ठीक, और A9 यानी नवा पद कितना है, 85/3, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। चौथा, A बराबर 2 दिया है और D अंतर दिया है 8 का, और SEN यानी दिया है 90, तो N और AN ज्ञात कीजिए। तो देखिए अच्छे से समझिए, SN दिया है तो SN वाला सूत्र लिखेंगे, यानी योगफल वाला सूत्र, N/2 2a + N - 1 d। ठीक, अब देखिए SEN कितना दिया है, 90 बराबर, N हमको नहीं पता है अभी, N/2, और 2a यानी 2a का मान 2 प्लस N हमको नहीं पता है, और d कितना है 8। अब देखिए अच्छे से समझिए, ये जो 2 बटे में है ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 180, और इधर N, और ये 2 दुना 4 प्लस 8 की N से गुणा हो जाएगी, यानी 8N माइनस का 8। ठीक, अब देखिए अच्छे से समझिए, 180 बराबर N, ये हो जाएगा 8N, और 4 में से 8 गया माइनस का 4। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 180, और ये कितना हो जाएगा 8N² ठीक, और इस N की इसमें गुणा हो जाएगी, यानी -4N। ठीक, अब देखिए दो तरीके हैं, ठीक, अब देखिए कौन सा, एक तो ये कि इधर 0 या इधर सब सारे पद ले आए तो 8N² ये प्लस का 4N, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, और ये कितना है प्लस का 180 बराबर 0। अब इसमें देखिए 4 कामन ले लेंगे, तो जब 4 कामन ले लेंगे, माइनस का 4 कामन ले लेंगे तो ये प्लस का 2N² बचा, और माइनस का 4 कामन ले चुके हैं तो ये माइनस का N बचा, और यहाँ पर माइनस बचेगा, यानी देखिए माइनस ये प्लस का था माइनस का बचेगा, प्लस का है किसका बचेगा, माइनस का, कितना 4 * 16
दो बचा चार पंचे बीस बराबर जीरो। अब ये जो माइनस चार है उधर चला जाएगा, यानी ये आ गया टू एन स्क्वायर माइनस एन और माइनस का पैंतालीस, और ये अगले चक्कर में इधर चला गया यानी कितना आ गया जीरो। अब इसके गुणनखंड करेंगे, तो देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, टू एन स्क्वायर ये जो बीच वाला पद है इसी को तोड़ेंगे, यानी वन एन है तो वो लिखेंगे दस माइनस नौ, दस में से नौ गया एक, और दो और पैंतालीस की गुणा करेंगे नब्बे, तो देखिए दस नौ नब्बे, तो कितना आ गया माइनस का पैंतालीस बराबर जीरो। देखिए टू एन स्क्वायर माइनस दस में से नौ गया एक यानी वन एन माइनस पैंतालीस, तो लिखेंगे टू एन स्क्वायर माइनस का माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे यानी माइनस का दस एन माइनस माइनस प्लस का नौ एन माइनस का पैंतालीस बराबर जीरो। तो अब इसमें कामन कितना है टू एन कामन, तो एन माइनस पाँच प्लस का इसमें कामन क्या है नौ, तो एन माइनस पाँच, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा एन माइनस पाँच और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा टू एन प्लस नौ बराबर जीरो। तो ज़्यादातर क्या होता है ये प्लस वाला छोड़ दिया जाता है, ठीक लिखेंगे एन माइनस पाँच बराबर जीरो, तो एन बराबर कितना आ गया पाँच, तो पहला आंसर आ गया हमारा एन। और कह रहा है ए एन ज्ञात करना है, तो ए एन का सूत्र देखिए क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, तो देखिए ए कितना दिया हुआ है दो प्लस एन कितना आया, देखो एन का मान तो हमारा यहाँ पर आ ही चुका है पाँच माइनस एक, और डी का मान कितना आठ, तो यह आ जाएगा दो प्लस पाँच में से एक गया चार, चार गुणे आठ चरवट बत्तीस और दो कितना हो गया चौंतीस। तो अब हम लिखेंगे एन बराबर पाँच और ए एन बराबर चौंतीस। अब ए एन का मतलब ये नहीं है, देखिए ए एन पहली बात तो हमको क्लियर पता चल गया कि एक दो तीन चार पाँच, यानी हमारे पाँच ही पद हैं, ठीक। अब ए एन क्या होता है देखिए एन बराबर पाँच यानी पाँच पद हैं, और ए एन क्या होता है लगभग लास्ट पद होता है, तो लास्ट पद कितना है चौंतीस। तो ये हमारा आंसर हो गया एन बराबर पाँच ए एन बराबर का सातवां क्वेश्चन। ए बराबर आठ दिया है और ए एन यानी एनवा पद बासठ और एन पदों का योगफल 210 दिया है, एन और डी हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ए एन एनवा पद दिया है कितना बासठ, और एनवा पद का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी ए तो लिखा जाता है और जितना एन दिया जाता है उसमें से एक घटाकर डी की गुणा की जाती है यानी कितना बासठ। अब देखिए ए का मान दिया हुआ है कितना आठ प्लस एन माइनस वन डी, ना तो हमको एन पता है ना डी, क्योंकि वही हमको ज्ञात करना है बराबर बासठ। तो अब देखिए एन माइनस वन डी बराबर बासठ, और ये प्लस का आठ उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का आठ, तो ये आ जाएगा एन माइनस वन डी बराबर बारह में से आठ गया यानी चार यानी कितना आ गया चौवन। ये अब मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। अब ये जो सवाल है मोस्ट सवाल है क्योंकि इसमें कुछ क्वालिटी है, क्वालिटी क्या देखिए ये यहाँ पर आ गया समीकरण फर्स्ट और दूसरा दिया है एस एन, यानी अच्छे से समझना योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर कितना दिया है 210, एस एन बराबर दिया है 210, तो एस एन का सूत्र क्या होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक बराबर कितना 210। अब एन टू ये जो बटे का टू है कहाँ जाएगा उधर, ठीक एन बटे टू या अगले स्टेप में लिख देना टू, ए का मान कितना है आठ प्लस, अब अच्छे से समझो ये जो एन माइनस वन डी एन माइनस वन डी का मान कितना है चौवन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चौवन बराबर 210। अब अच्छे से समझो ये आ गया एन बटे टू, अब ये कितना दो अठ सोलह, दो अठ सोलह और ये चौवन कितना हो गया छः चार दस सत्तर, कितना हो गया सत्तर बराबर 210। अब अगले स्टेप में समझो एन जब रुकेगा ये दो कहाँ है बटे में, तो इधर जाएगा गुड़े में, और ये जो सत्तर गुड़े में है तो इधर जाएगा बटे में, तो एन बराबर कितना आ गया जीरो से जीरो कट गया सात रुक इक्कीस यानी तीन दुनी छः, यानी एन बराबर आ गया छः, तो हमारा एन आ गया। अब डी देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब छः आ गया तो लिखेंगे एन का यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में
रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट कहाँ ये n माइनस वन डी बराबर 54। तो देखिए n माइनस वन, ठीक, n माइनस, n का मान दिया है 6, ठीक, तो n माइनस वन, n का मान कितना आया है 6 माइनस एक डी बराबर 54। तो 6 में से एक गया 5 डी बराबर 54, तो d कितना आ जाएगा, d बराबर 54/5, ठीक। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो n बराबर कितना, n बराबर 6 और d बराबर आ जाएगा 54/5। ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आठवां सवाल देखिए क्या कह रहा है, an बराबर 4 है और d बराबर 2 है और sn बराबर -14 दिया है। तो n और ये हमको ज्ञात करना है, n और ये। तो देखिए अच्छे से समझिए, an बराबर 4 दिया है, यानी nवा पद कितना दिया है 4। तो nवा पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस वन डी बराबर 4, ठीक। an बराबर हो जाएगा, nवा पद का सूत्र होता है an a n माइनस वन डी और ये कितना दिया है 4। अब देखिए अगर कोई पद दिया है तो लिख देंगे, तो देखिए a प्लस n माइनस वन और d का मान कितना दिया है 2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा a प्लस 2n, 2n माइनस का 2, माइनस का कितना 2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा a प्लस 2n, ये जो माइनस का 2 है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। अब दूसरा सवाल पर ध्यान देते हैं, sn बराबर माइनस का 14 दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से समझिए, n बटे 2 सूत्र होता है, sn का सूत्र होता है n बटे 2 a प्लस l होता है। अब यहाँ पर l वाला मैटर अच्छे से समझिए ना, क्या होता है l, मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद को कहते हैं nवा पद। तो लिखेंगे sn बराबर माइनस का 14 n बटे 2 a प्लस l को क्या कहेंगे an, ठीक। अब देखिए अच्छे से, तो माइनस का 14 बराबर n बटे 2 a, a कितना, a दिया नहीं दिया, a हमको भी नहीं दिया है, यानी a प्लस an कितना दिया है 4, an कितना दिया है 4। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये 2a 2 की इसमें गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2a, हाँ तो देखिए 2 की जब इसमें गुणा हो जाएगी, ये बटे में, इधर आएगा माइनस का 28 प्लस n a प्लस 4। अब देखिए ऐसा करें, क्योंकि n है a दिया, यानी अलग अलग पद दिए हैं, तो देखिए a का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं 6 माइनस 2n, 6 माइनस, ये प्लस का 2n था इधर आ गया, ठीक। तो a का मान कितना है 6 माइनस 2n, तो लिखेंगे माइनस 28 n, a की जगह 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस का 4, ठीक। a की जगह पर देखिए अच्छे से समझना, a की जगह हमने कितना लिख दिया 6 माइनस 2n, तो माइनस 28 n। अब देखिए 6 में से 6 और 4 कितना हो गया 10 माइनस 2n। अब इसकी जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का 28 n से गुणा करेंगे 10n हो जाएगा, और ये माइनस का 2n स्क्वायर, माइनस का 2n स्क्वायर, अब ये माइनस का 2n स्क्वायर है इधर लाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का 2n स्क्वायर, और ये प्लस का 10n इधर लाएंगे माइनस का 10n हो जाएगा, और ये माइनस का 28 इधर है ही बराबर 0। अब अच्छे से समझना, इसमें दो कॉमन मिल जाएगा n माइनस 5n, n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0। अब देखिए ये जो 2 है अगले चक्कर में उधर जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके गुणा करना है, यानी अगर जोड़े घटाए तो माइनस का 5 आए, यानी 2 माइनस 7, अच्छे से समझना, 2 माइनस 7, 2 में से 7 जाएगा 5 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो माइनस का 14। तो इसके आगे n लिख देंगे ब्रैकेट बंद, इसके आगे n लिख देंगे ब्रैकेट बंद, या इसका लॉन्ग इससे भी गुणनखंड कर लेना। तो देखिए यहाँ पर समझिए, इसका मान तो मानेंगे नहीं, तो n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा 7। अब ये जो n का मान है यहाँ पर रख देंगे, n का, यानी ये जो n आया है, n का यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए ये सवाल मोस्ट है क्योंकि ये थोड़ा कठिन सवाल है,
तो फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट हमने इसको माना था a प्लस टू एन बराबर छः, तो n आया मान, a प्लस टू एन का मान कितना आया, सात बराबर छः, तो a बराबर छः, सात दूनी चौदह, प्लस का आएगा इधर जाएगा माइनस का, तो a का मान कितना आ गया माइनस का आठ। तो अब हम आंसर जब लिखेंगे तो n बराबर n, और ये पूछ रहा था n बराबर सात और a का मान कितना आ गया माइनस का आठ, इस प्रकार से आप आंसर निकाल लेंगे। देखिए a बराबर तीन दिया है, n बराबर आठ और sn बराबर 192 दिया है, तो d ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र क्या होता है, sn वाला दिया है ना, तो sn वाला ही सूत्र लगा देंगे। sn बराबर होता है n बाई टू टू ए प्लस n माइनस वन डी ब्रैकेट वन। अब देखते हैं sn का मान कितना दिया है 192 और n कितना दिया है 8 बटे दो टू ए, ए का मान देखिए कितना दिया है 3 प्लस n कितना 8 माइनस वन डी, डी हमको ज्ञात करना है। अब देखिए 8 को जब 2 से भाग देंगे ठीक 192 तो ये कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, दो तिया 6 प्लस 8 में से एक गया 7, यानी ये हो गया 7 डी ठीक। अब देखिए 192 चाहे तो इधर 4 ले आए या तो फिर हम 4 से ब्रैकेट खोल दें, 4 छंग 24 प्लस 4 सते 28 डी, 28 डी। अब ये जो 24 प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का बराबर 28 डी। अब देखिए 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 2 गया 6 और 168 बराबर 28 डी, तो d को जब हम रोक देंगे इधर 168 बटे 28 ठीक। अब देखते हैं कितने से कटेगा, देखिए अगर हम 4 से काटें क्योंकि ये 4 सत्ते 28 और इसको 4 चक्कू 16, 4 दुनी 28, फिर 7 से 42 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी d बराबर कितना आ गया 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे का दसवां सवाल, l बराबर 28 और sn बराबर 144 और कुल 9 पद है तो a ज्ञात कीजिए। तो देखिए सूत्र क्या होता है, sn दिया है ना, तो sn बराबर n बाई टू और एक सूत्र होता है a प्लस l, क्योंकि देखिए हमसे यहाँ पर ये पूछ रहा है और l हमारा दिया हुआ है, तो sn का मान कितना है 144 और n कुल कितने पद है 9 बटे 2, a कितना, a हमको पता करना है और l कितना है 28। अब देखते हैं ये जो बटे में दो है इधर गुड़े में आएगा और ये जो नौ इसके गुड़े में इधर आएगा बटे में, अच्छे से समझना 144 ये दो गुड़े में आ गया, ये जो नौ गुड़े में था इसके इधर आएगा किस में बटे में, तो इधर a प्लस 28 ठीक। अब देखते हैं इसको नौ से जब इसको काटेंगे, नौ एकम नौ कितना बचा 5, 54 हो जाएगा, नौ छाक 54, फिर 16 दुना 32 a प्लस 28, तो ए उधर रोक देंगे तो 32 माइनस प्लस का 28 था इधर आ गया माइनस का, यानी 32 में से 28 गया 4 ए, यानी ए का मान कितना आ गया 4, तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे ए बराबर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए, जैसे लिखा है 9 है 17 है और 25 है, यानी इस प्रकार से अगर एपी बढ़ाते जाए तो कितने पद लिखना होगा जिसको जोड़ने पर 636 आ जाए। तो देखिए ए बराबर कितना है 9 और डी कितना है डिफरेंस, तो कहीं से भी उससे पहले वाले पद को घटा दिया जाए 25 माइनस 17, चाहे 25 में से 17 घटाओ चाहे 17 में से 9 घटाओ, यानी आंसर हमारा 8 ही आएगा। अब ए पता चल गया और डी पता चल गया और 636 योग यानी sn बराबर कितना 636। अब देखते हैं 636 हो गया और कितने पद लेने हैं, यानी हमको n पूछ रहा है, यानी कितने पद ले लें जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए 636। तो देखिए sn हमको पता है तो sn वाला सूत्र लगा देंगे, sn बराबर होता है n बाई टू ए प्लस टू ए प्लस n माइनस वन डी। अब sn का मान कितना है 636 n बाई टू टू ए, टू ए का मान कितना 9 प्लस n हमको नहीं पता है और d कितना है 8,
ठीक। अब ये जो बटे में टू है इधर आएगा तो दो गुड़े में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1272, 600 में गुड़ा हो गया। यन बराबर दो नाम 18 प्लस 8 यन माइनस का कितना 8। अब देखिए अच्छे से समझिए, 1272 बराबर यन, और इधर देखिए 18 में से 8 गया कितना, 18 में से 8 जाएगा 10, 10 प्लस 8 यन, 10 प्लस कितना 8 यन। अब देखते हैं 1272 यन की गुणा होगी ये 10 यन हो जाएगा, फिर यन यहाँ पर 8 यन स्क्वायर, 8 यन स्क्वायर। अब देखते हैं ये जो प्लस का 8 यन स्क्वायर है इधर लाएंगे, माइनस का 8 यन स्क्वायर, और ये जो प्लस का 10 यन है ये भी माइनस का 10 यन, और ये जो प्लस का है तो प्लस का रहेगा 1272 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ कामन ले लेंगे, माइनस का 2 यन, माइनस का 2 कामन ले लें तो ये बचा 4 यन स्क्वायर, और प्लस का 5 यन, और ये माइनस का बचेगा। देखिए माइनस का कामन लिया तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, और जो प्लस है वो किसका हो जाएगा 636 बराबर 0। अब देखिए इसके गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड देखिए हम रफली यहाँ पर कर रहे हैं, अगले चक्कर में ये दो गायब हो जाएगा। तो देखिए 4 यन स्क्वायर प्लस का 5 यन और माइनस का 636। तो अच्छे से समझना थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर इसकी और इसकी गुणा करके मैटर लिखा जाता है, कि देखो जब इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2544। ठीक, तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या लिखनी है जिसकी गुणा करो तो इतना, तो वो संख्या है 53 और 48। 53 और 48 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2544, और 53 और 48 को जब घटाएंगे तो आएगा 5। ध्यान रखना इस बात का, 4 6 24, 4 3 36, 4 3 12, और 2 12 2 14, 4 6 24, और 1 25। अब देखते हैं 4 यन स्क्वायर प्लस का 5 यन को क्या लिखेंगे, 53 यन में से कितना यन घटाएंगे 48 यन, माइनस का 636 बराबर 0। इसमें कामन कितना है, यन कामन है, तो ये आ जाएगा 4 यन प्लस का 53, इसमें माइनस का 12 कामन ले लो तो ये आ जाएगा 4 यन, माइनस कामन ले चुके हैं और प्लस का 53 आ जाएगा, तो ये एक ब्रैकेट में आ गया यन माइनस 12, और अगले ब्रैकेट में आ गया 4 यन प्लस 53 बराबर 0। अब देखिए ये तो हमारा गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे यन माइनस 12 और 4 यन प्लस 53 बराबर 0। तो यन बराबर कितना, यन माइनस 12 बराबर 0, तो यन बराबर कितना आ जाएगा 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए बराबर 5, और अंतिम पद 45। अंतिम पद को देखिए यल भी कहते हैं और एन भी कहते हैं, यनवा पद या अंतिम पद, कितना दिया है 45, और फिर कह रहा और योग दिया है 40, एस एन बराबर 400, और पदों की संख्या यानी यन, और सार्वांतर डी, यानी यन हमसे पूछ रहा है और सार्वांतर डी बराबर पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए हमारा जब एस एन दिया है तो एस एन वाला सूत्र लिखेंगे, लेकिन कौन सा, ए और यल वाला, यन बाई टू ए प्लस यल, ये सूत्र होता है। देखिए एस एन का मान कितना है 400, यन बाई टू, यानी ना तो हमको यन पता है, अभी यन तो पता नहीं, ए कितना है 5 और यल कितना है 45। ठीक, अब अच्छे से समझो, ये जो दो है बटे में इधर गुड़े में आ गया, कितना हो गया 800 बराबर यन, 5 और 45 कितना 50। अब ये 50 अगले चक्कर में कहाँ जाएगा, 800 के बटे में जाएगा, एक जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 5 एक 5 3 5 30, यानी यन बराबर कितना आ गया 16। अब देखते हैं डी ज्ञात करना है, अब डी ज्ञात करना है, और ए एन हमको पता है, यन पता है, ए पता है, डी ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 डी। अब देखिए यहाँ पर क्या ए एन पता है, ए पता है, और यन पता है, यन कितना आ गया 16, केवल डी नहीं पता है, वो हमको पता चल जाएगा, ए एन कितना है 45, ए कितना है 5 प्लस यन माइनस 1, यानी यन हमको यन दिया है 16 माइनस 1, डी का मान कितना, डी तो हमको पता ही करना है। ठीक, और 45 ये जो प्लस का 5 है इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 5 बराबर 16 में से 1 गया
15D, 16 में से एक गया 15D, तो 45 में से 15 गया कितना आ गया 40 बराबर 15D, तो D बराबर कितना हो जाएगा 40, ये 15 कहाँ आएगा बटे में। अब देखिए 5 से जब काटेंगे 45, 5 × 15 यानी D का मान आ गया 8/3। तो जब आंसर लिखेंगे तो n बराबर 16 और डिफरेंस यानी अंतर कितने का 8/3 का, ये दोनों आंसर हो जाएंगे हमारे। नंबर 6 देखते हैं, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यानी प्रथम और अंतिम पद, यानी प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से कितना है, ये है 17 और ये है 350। अब अंतिम पद को an भी कहते हैं, an और l। फिर कह रहा है यदि सार्वांतर 9 है, यानी d बराबर दिया है 9, तो इसमें कितने पद हैं, यानी आपको बताना है n बराबर क्वेश्चन मार्क, और इनका योग क्या है, और इनका sn बराबर योग क्या है। अब देखिए an बराबर दिया है, d दिया है, a दिया है, तो हम सबसे पहले n ज्ञात करेंगे। तो देखिए सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। an का मान दिया है 350 बराबर a कितना 17 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना 9, तो ये आ जाएगा 350 बराबर 17 प्लस 9n माइनस का 9, तो ये आ जाएगा 350 बराबर 17, 17 में से 9 हो गया कितना आ गया 8, 17 में से 9 हो गया 8 और प्लस का 9n, ये अगले चक्कर में 8 इधर आएगा, यानी 350 माइनस 8 बराबर 9n, तो ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 342 9n, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 कहाँ जाएगा 342/9। अब जब 9 से इसको भाग देंगे तो 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 9 त्रुक 27, कितना बचा 27 × 7 = 34, यानी 7 बचा तो 72 हो जाएगा, 9 × 8 = 72, यानी n बराबर आ गया 38 पर। अब हमसे पूछ रहा है sn यानी योगफल ज्ञात कीजिए, तो sn वाला सूत्र लगाएंगे, sn बराबर n बाई 2 a प्लस l, देखिए पहला और आखिरी को पता है, तो n कितना है 38/2 और a कितना है 17 और l कितना है 350। अब जब इसको 38 को 2 से भाग देंगे यानी कितना आ जाएगा 19 × 350 में 17 जोड़ो तो ये हो जाएगा 367। अब जब 19 के 367 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6973, 6973, इसकी गुणा आप कर लेना ठीक।